किया। अब हम P&L appropriation और P&L account के बाकी के points के बारे में discuss करते हैं। अब पहला point है हमारे पास, अगर appropriation मतलब P&L appropriation का expense अगर ज्यादा है available profit से, बहुत important question है ये हमारा, exam में बहुत बार पूछा जाता है। question क्या है, अगर appropriation का expense ज्यादा है available profit से, तब उस केस में हमें कैसे उस सिचुएशन को डील करना है। सबसे पहले हमें डिटरमाइन करना है पेबल अमाउंट टू पार्टनर, डिटरमाइन करना है हमें पेबल अमाउंट टू पार्टनर। जैसे मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए को देना है, मान लीजिए हमें डिटरमाइन करते हैं 2,00,000 रुपए हमें डिटरमाइन करना है, कैलकुलेट करना आता ही है हमें, कैसे कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और सैलरी देना है हमें बी को, मान लीजिए 1,00,000 रुपीज, सैलरी देना है बी को 1,00,000 रुपीज, ओके। और इतना एप्रोप्रिएशन है और अवेलेबल प्रॉफिट है हमारे पास मान लीजिए 1,20,000, तो हमारा एक्सपेंस इस केस में ज्यादा है और अवेलेबल प्रॉफिट हमारे पास कम है, तो इस सिचुएशन को हम कैसे डील करेंगे। तो इस सिचुएशन में सबसे पहला स्टेप है कि हमें डिटरमाइन करना होता है पेबल अमाउंट टू पार्टनर। फिर उस केस में सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या होगा, हमें उसका रेशो फाइंड आउट करना है। तो इसका रेशो क्या होगा, रेशो कैसे डिटरमाइन करेंगे हम, इसका एक्सपेंस का रेशो, क्या बोल रहा हूं मैं यहाँ पर, एक्सपेंस का रेशो फाइंड आउट करेंगे और फिर एक्सपेंस के रेशो में हम अवेलेबल प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ओके। ये कब होगा, ये होगा जब एप्रोप्रिएशन ज्यादा है अवेलेबल प्रॉफिट से, तो उस केस में हम एक्सपेंस के रेशो में अवेलेबल प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे P&L appropriation अकाउंट में, ओके। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, मान लीजिए यहाँ पर P&L appropriation अकाउंट हम बनाते हैं और यहाँ पर आपका नेट प्रॉफिट कितना अवेलेबल है हमारे पास 1,20,000, कितना अवेलेबल है नेट प्रॉफिट 1,20,000। तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए को कितना दोगे, ए को कैसे दोगे आप, यहाँ पर 1,20,000 इंटू इस रेशियो में आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, तो इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा 2/3 मिलेगा। और इसको बी को सैलरी कितना मिलेगा, सैलरी टू बी 1,20,000 इंटू 1/3 उसका शेयर मिल जाएगा, तो इस तरह से आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, ओके। तो अगर एप्रोप्रिएशन ज्यादा है अवेलेबल प्रॉफिट से, तो उस केस में आप उसके एक्सपेंस के रेशियो में अवेलेबल प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, ओके। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, रेंट पेड टू पार्टनर। अगर हमें रेंट पे करना है पार्टनर को, तो उस केस उसको उसका कैलकुलेशन कैसे होगी और उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, आपको क्वेश्चन में कैलकुलेशन दी होगी, ट्रीटमेंट मैं आपको बता देता हूँ। रेंट पेड टू पार्टनर, इट इज अ चार्ज, रेंट पेड टू पार्टनर क्या होता है, चार्ज होता है, इसलिए ये P&L अकाउंट के डेबिट में आता है, इसीलिए ये P&L अकाउंट के डेबिट में आता है। कल भी मैंने आपको प्रीवियस पार्ट में भी बताया था कि रेंट पेड टू पार्टनर कभी भी पार्टनर कैपिटल अकाउंट में नहीं आता, नोट क्रेडिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ओके। तो रेंट पेड टू पार्टनर आपके P&L अकाउंट के डेबिट में आता है और पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट नहीं होता। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, सैलरी या कमीशन टू पार्टनर, इसके अंदर होता क्या है एक्चुअल में, इट इज अ एप्रोप्रिएशन, ओके। सैलरी या कमीशन टू पार्टनर, इट इज अ एप्रोप्रिएशन नॉट चार्ज। और अगर हम दूसरा पॉइंट बात करें, कमीशन टू मैनेजर, मैनेजर को जो कमीशन देते हैं वो हमारे लिए क्या होता है, चार्ज होता है, वो P&L अकाउंट में जाता है। और मैनेजर कमीशन टू पार्टनर कहाँ जाता है, P&L appropriation में जाता है। तो सैलरी और कमीशन टू पार्टनर इज अ appropriation नॉट चार्ज, ओके। ये क्या होता है, appropriation होता है। इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है और ट्रीटमेंट क्या होता है, कैलकुलेशन कैसे होती है डिपेंड करता है परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट। अगर आपको बिफोर चार्जिंग सच कमीशन दिया हुआ है, उस केस में नेट प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर देंगे
से, और अगर आपको परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट दिया हुआ है आफ्टर चार्जिंग दिया हुआ है, उस केस में नेट प्रॉफिट इनटू रेट बाय 100 प्लस रेट कर देंगे। अगर मान लीजिए 5% है तो 5/105 हो जाएगा, 8% है तो 8/108 हो जाएगा, इस तरह से हम डील करेंगे इसको। ओके ठीक है, और ट्रीटमेंट क्या होता है इसका, सैलरी और कमीशन टू पार्टनर का ट्रीटमेंट क्या होता है। सबसे पहले पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में दिखाया जाता है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में दिखाया जाता है, और पार्टनर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट में उसको ऐड कर देते हैं। ओके तो हमने टॉपिक सीखा सैलरी और कमीशन टू पार्टनर का ट्रीटमेंट और कैलकुलेशन कैसे होती है। अब हम सीखेंगे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन हमने प्रीवियस पार्ट में भी सीखा था, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन की कैलकुलेशन और ट्रीटमेंट कैसे होता है। कैलकुलेशन कैसे होती है, अगर आपको रेट दिया हो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन का, अगर आपको रेट दिया हो तो हम उस अकॉर्डिंग डील करेंगे, अगर आपको रेट ना दिया हो तो पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजन के अकॉर्डिंग आपको 6% कंसिडर करना है। कई बार एग्जाम में ये रेट भी पूछा जाता है कि अगर रेट ना दिया हो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन का तो आप क्या लेके चलोगे यहाँ पर 6%। ओके ट्रीटमेंट क्या होता है इसका, पीएनएल अकाउंट के डेबिट में इसको डेबिट करते हैं, क्यों, क्योंकि ये चार्ज होता है। ओके और नोट क्रेडिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में इसको क्रेडिट नहीं करते। तो हमने बेसिकली पीएनएल अकाउंट और पीएनएल एप्रोप्रिएशन के सभी कॉन्सेप्ट्स को ब्रॉडली कवर किया, हर एक पॉइंट का हमने कैलकुलेशन सीखा, ट्रीटमेंट सीखा, लॉजिक सीखे उसके। ओके नाउ हम कवर, अब हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जाएंगे। हमने सारे टॉपिक कवर कर लिए, हमने ये तो हमने प्रीवियस पार्ट में कवर किया था, एप्रोप्रिएशन मोर देन प्रॉफिट कवर कर लिया हमने, रैंक पेड कवर कर लिया, सैलरी कमीशन, इंटरेस्ट ऑन लोन हमने कवर कर लिया। अब हमारे